नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कुमार न्यूज में। पल्ले से लगी गेंद, फिर भी LPW आउट हुए विराट कोहली। मैच में दिखा हाई वोल्टेज ड्रामा देखेंगे इस वीडियो में, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज पाने के लिए। दोस्तों, विराट कोहली जिस तरीके से आउट हुए वो काफ़ी हैरान करने वाला फैसला था। अजाज पटेल की फुलर डिलीवरी को खेलने के लिए विराट कोहली हल्का सा आगे बढ़े, लेकिन बल्ले और पैड के बीच में गेंद पूरी तरीके से फिट हो गई। विराट गेंद को डिफेंस करने के लिए फ्रंट फुट पर थे, जिसके चलते ऑनफील्ड अंपायर अनिल चौधरी ने इसे आउट करार दे दिया। दोस्तों, आपको बता दें, अंपायर के आउट देते ही विराट कोहली ने बिना समय गवाए रिव्यू लेने का फैसला किया। टीवी रिप्ले देखने के बाद पहली झलक में ऐसा लग रहा था कि गेंद बैट से टकराने से पहले विराट के बल्ले से टकरा चुकी है, लेकिन दोस्तों इसका कोई भी साक्ष्य सबूत नहीं मिला। और दोस्तों, कोई साक्ष्य सबूत ना मिलने के चलते निर्णय न्यूजीलैंड के पक्ष में गया और कप्तान 4 गेंदों पर 0 के स्कोर पर चलते बने। दोस्तों, आप हमारी वीडियो में कुछ खास फुटेज देख सकते हैं। दोस्तों, पहली झलक देखने पर ऐसा लग रहा है कि बॉल पहले पैड से पहले बल्ले पर लगी है, पर दोस्तों ये किसी भी ट्रैकिंग में नहीं दिखाई दिया, जिसके चलते दोस्तों विराट कोहली का आउट देना पड़ा। आप हमारे वीडियो में कुछ खास फुटेज देख सकते हैं। तो दोस्तों, इसको लेकर आप क्या कहेंगे, अपनी राय और कमेंट जरूर दीजिएगा। हम आपको मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।